हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। तो आज का थंबनेल देख के आपको वीडियो के बारे में पता चल ही गया होगा। हम लोग बात करने वाले हैं एसर लैपटॉप की। तो एसर लैपटॉप के अंदर कुछ कीबोर्ड है वो इस टाइप का आता है, मैं वीडियो के अंदर आपको शो कर देता हूँ, जिसके अंदर आप लोग वीडियो के अंदर देख रहे होंगे, वरना मैं आपको फोटो भी दिखा दूंगा आगे कि कुछ जो नेम लॉक वाले होते हैं अक्सर कीबोर्ड होते हैं वो भी बीच में आते हैं। लेकिन जब हम लोग एक्सेल में या पावर पॉइंट में या नोटपैड में कहीं भी टाइपिंग करते हैं तो ABCD के जो अक्सर नए लिखने की वजह से नंबर लॉक जो नंबर है वो लिखे जाते हैं उसमें। तो मैं आज आपको एक ऐसा तरीका बताने वाला हूँ जिसकी वजह से आप बहुत ही ईजी और आसान तरीके से उन नंबर वाले बटन को ABCD के अंदर है वो कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे, तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो शुरू करते हैं, और ये सब जानने के लिए वीडियो को आपको अंत तक देखना होगा। हेलो दोस्तों, मैं सत्यपाल शर्मा टेक्निकल दोस्त इंडिया के चैनल में आपका फिर से स्वागत करता हूं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों देखिए, ऐसे कुछ कीबोर्ड है उसमें आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे आपको गौर से देखोगे तो J की जगह 1 है, K की जगह 2 है, L की जगह 3 है, वैसे U की जगह 4 है, आई की जगह 5 है, 6 है। अब इन बटनों को मैं प्रेस करता हूँ तो सेम वही वहीं पे टाइपिंग होगी। देखिए, जैसे मैं K को यहाँ से दबाऊँगा, देखिए तो 2 दब रहा है, J को दबाऊँगा 1 दब रहा है, तो आप खुद देख रहे हो। जैसे U को दबाता हूँ तो 4 दब रहा है, जैसे मान लो कि मैं O को दबाऊँगा तो 6 दब रहा है, ये देखिए। तो ऐसे में क्या है, टाइपिंग के अंदर बहुत ही समस्या होती है। तो मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीका बताने वाला हूँ और जिससे आप क्या है बहुत ही इजी तरीके से वो कर पाओगे। आपको करना क्या है, सिंपली फंक्शन की है ये वाली, देखिए आप गौर से देखोगे फंक्शन की, इस फंक्शन की को है वो प्रेस करना है, ठीक है। उसके बाद आपको जैसे मान लो J लिखना है तो आप J लिखोगे नेम लॉक के साथ में ऐसे, ठीक है। अब जैसे आप J लिखोगे तो देखो J टाइप होगा, अब देखो आप J टाइप कर रहे हो तो J टाइप होगा, यदि आप K टाइप कर रहे हो तो K टाइप होगा, यदि आप M टाइप करोगे यहाँ पे तो ये देखिए M टाइप होगा। तो बहुत ही सिंपल तरीका है दोस्तों, बहुत सारे लोग ऐसे कीबोर्ड को देख के कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो आज मेरे शायद ये वीडियो देखने के बाद शायद ही आपको कोई कन्फ्यूज़न रहे, ये ध्यान रखना है आपको फंक्शन की के साथ नेम लॉक है उसको वो क्या करना है दबाना है। जैसे आपको अब इनकी जगह वापस वही अक्षर लाने हैं तो अब आपको क्या करना है, फंक्शन की और साथ में आपको क्या दबाना है, नेम लॉक। ये देखिए मैंने नेम लॉक दबा दिया। अब आप जैसे ही मान लो यहाँ पे J दबाओगे, ये देखिए मैं ये जो J बटन है वो प्रेस करूँगा, तब आप देखोगे यहाँ पे क्या लिख रहा है, देखिए ये, और यहाँ पे है भी क्या 1 है ना, आप देख रहे हो बटन पे। अब वापस आपको वैसे ही लिखना है तो वापस F फंक्शन की और वापस है वो नेम लॉक पे वो दबाना है। अब आप वापस देखो मैं J लिखूँगा ना तो वहाँ पे देखना आपको क्या लिख रहा है, ये देखिए। तो ऐसे आप चेंज कर सकते हो और उससे टाइपिंग करने में भी आपको दिक्कत नहीं होगी। यदि वीडियो हेल्पफुल है आपके लिए, आपको नॉलेज मिल रहा है तो दोस्तों एक लाइक तो बनता है। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो, वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, आपको नॉलेज मिल रहा है तो दोस्तों एक लाइक तो बनता है। आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय धन्यवाद। और हाँ दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब है वो जरूर करें।